हेलो एवरीवन, आज हम जानते हैं कि 1 मिनट फॉलो कैंडलस्टिक स्ट्रैटेजी होती क्या है। इसमें मैंने यूरो यूएसडी पेयर सेलेक्ट किया है, आप कोई भी पेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लास्ट 2 कैंडल्स रेड बनी हुई है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ इससे नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो भी रेड बनेगी। ठीक है, आप यहाँ पर बस बिहेवियर को समझने की कोशिश करो। यहाँ पर हम थोड़ा अमाउंट को रिड्यूस कर देते हैं ताकि हमारा जो रिस्क है थोड़ा सा डिक्रीज हो जाए। कल स्ट्रैटेजी कोई भी हो, जब आपको मिलती है, पता चलती है, तो आप पहले उसे डेमो पे अप्लाई करके देखें, प्रैक्टिस करें। जब आप उसमें एक्सपर्ट हो जाए तभी आप रियल अमाउंट से, छोटी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा रिफंड हो गया है। तो हमारी जो पहली कैंडल बनी थी, लास्ट कैंडल जो बनी थी वो ग्रीन थी, तो मैं यहाँ एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बनेगी। ठीक है, देखते हैं। मैंने ट्रेड ले ली है अब के लिए, लेट्स सी। यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, हमें सपोर्ट नहीं पता है, रेजिस्टेंस नहीं पता है, हम सिर्फ कैंडल टू कैंडल को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमें टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है वो 1 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा। कैंडल चार्ट का जो टाइम फ्रेम रहेगा वो 1 मिनट का रहेगा। मैंने यूरो यूएसडी पेयर सेलेक्ट किया है, आप कोई भी करेंसी पेयर सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी पेयर सेलेक्ट कर सकते हैं, असेट जो आपको अच्छा लगे, जिस पे आप करते हैं रेगुलर। ये बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है। ठीक है, ये विन हो गई है हमारी, फर्स्ट रिफंड था, सेकेंड विन है, तो अभी तक हमारा इसमें तो कोई लॉस नहीं हुआ है। गाइस, ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी है, जिन्हें नहीं पता है कैंडलस्टिक के बारे में, ठीक है, वो इसे फॉलो कर सकते हैं। और आपको अपनी ट्रेड फिक्स करनी है, प्रॉफिट कमाना है तो लॉस प्रॉफिट का टारगेट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे जो है लास्ट 2 कैंडल्स ग्रीन बनी है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बनेगी। ठीक है, तो आपको दिन में कम से कम 7 ट्रेड्स लेनी है, दिन की 7 ट्रेड्स, ठीक है, स्टार्टिंग में जब आप बिगनर्स होते हैं, और उसमें से 4 ट्रेड आपको विन करनी है। अगर आपको डर लग रहा है आप बहुत ज़्यादा लॉस कर चुके हो, और आपको डर लग रहा है कि आप वापस लॉस ना कर दो इस मार्केट में, तो ये स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए है। आप इसे डेमो पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये रिफ़ंड हो चुका है, डेमो पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर रियल अमाउंट पे, छोटी अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है स्ट्रेटजी, हमें कैंडल टू कैंडल फॉलो करनी है। इसमें कुछ नहीं है, कुछ एनालाइज नहीं किया गया है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं ड्रॉ किया है, बस इसमें हम नेक्स्ट कैंडल को, जो लास्ट कैंडल थी उसे फॉलो करके नेक्स्ट कैंडल हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बिगनर्स के लिए है, जिन्हें मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता है, कैंडल्स के बारे में कुछ नहीं पता है, वो ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। अगर ये आपको स्ट्रैटेजी अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, आपको हमेशा ऐसे नॉलेजेबल चीज़ें मिलती रहेगी। ये हमारा जो है लास्ट ट्रेड हमारी लॉस गई थी, यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि नेक्स्ट ट्रेड मेरी जो है डाउन के लिए जाए, क्योंकि इससे पहले जो कैंडल बनी थी वो रेड बनी थी। ठीक है, तो लिमिटेड ट्रेड लेनी है, हमें फिक्स करना है टारगेट प्रॉफिट और लॉस का। बिगनर्स के लिए अच्छी ट्रिक है, ट्राई करके देख सकते हैं, इससे आपको सेल्फ ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, और कुछ जानने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं, सिग्नल्स के लिए भी फॉलो कर सकते हैं, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट रहता है। ठीक है, ये भी विन हो गई है। गाइस, एक सही टाइमिंग पे प्लेस करना भी ज़रूरी है, अगर लेट प्लेसिंग होती है तो आपकी ट्रेड लॉस भी हो सकती है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो,
ये एक लास्ट हम ट्रेड देख लेते हैं कि ये विन होती है नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपके लिए ली है क्योंकि लास्ट कैंडल हमारी ग्रीन है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस चाहिए होगी तो आप कमेंट में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और भी किसी चीज़ से ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो। ठीक है, ये भी हमारी विन हो गई है, तो अब हम